मैंने देखा है जलते हुए रावण को, मैंने भी देखा है जलते हुए रावण को, पूछ रहा था भीड़ में कि जला तो दिया मुझको, लेकिन तुम में से राम कौन है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना अभी कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। एक व्यक्ति एक बाबा जी के पास गया जो कि भविष्य बताया करते थे। वो बाबा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि अगले अमावस्या तक तुम्हारी मौत हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा दिल कमजोर है। वो व्यक्ति बड़ा निराश होकर अपने परिवार के पास आया और घर वालों को सारी बात बताई, तो घर वालों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी बातों पर यकीन मत करो। लेकिन उस व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि वो बाबा कभी झूठ नहीं बोलते, और ठीक अमावस्या वाले दिन उसकी मौत हो गई। कमाल की बात तो ये है कि बाबा से मिलने से पहले उस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वो दिन रात ये सोचता रहा कि उसका दिल कमजोर है और दिल के दौरे से उसकी मृत्यु हो गई। आप और हम भी हमेशा यही करते हैं कि लोगों की बातों को अपने मन में बैठा लेते हैं और अक्सर उन बातों के बारे में सोचने लगते हैं, और जब हम किसी बारे में सोचने लगते हैं ना, तो हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। अगर कुछ सोचना है या मन में बैठाना है तो अपने गोल को बैठाओ, फिर देखो आपको अपने गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जिंदगी में कुछ सोचो मत, करके दिखाओ। और याद रखो, विवेक भी आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी डिग्रियां ले लो, लेकिन सीखता तो इंसान दुनिया की ठोकर से ही है। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी, बस खुश रहा करो। वो नदी थी, वापस मुड़ी नहीं, मैं समंदर था, आगे बढ़ा नहीं। किसी को तकलीफ उतनी ही दो जितनी वो झेल सके, पलटकर बार कर दिया उसने तो औकात याद आ जाएगी। जितना दर्द लड़कियां सह सकती है ना यार, उतना दर्द एक मर्द भी नहीं सह सकता यार, ये बात बिल्कुल सच है। अब कई लड़के कहेंगे, अबे भाई हम तो मर्द हैं यार, क्यों नहीं कर सकते, अब हम तो सारे दर्द झेल जाए अपने शरीर पे, बच्चा पैदा कर सकते हो? नहीं कर सकते, भगवान ने दी नहीं वो चीज हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हम सहन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते यार, जो लड़की कर सकती है। औरत एक बारी में करके दिखा देती है, मगर हम सारी जिंदगी नहीं समझ पाते कि उसने एक बच्चा पैदा कर दिया है। सबसे बड़ी बात वो होती है, हमारे पेट में एक बच्चा होगा ना, हम कहेंगे हम नहीं रख रहे इस बच्चे को, हमारे दर्दों की बाहर आएगा तो। मगर वो औरत ये चीज नहीं बोलती, वो औरत कहती है मेरे को बच्चा पैदा करना है क्योंकि मेरा एक खुद का बच्चा है। तो औरत, जितना औरत दर्द सह सकती है ना, कोई भी नहीं सह सकता। सल्यूट है यार, मेरी खुद की मम्मी को सल्यूट है, और दुनिया की सारी मम्मियों को सल्यूट है यार, सारी लेडीज को, सारी लड़कियों को। और यार और क्या बोलूं, इस देश में लड़कियां हैं ना तभी हमें, वरना हम भी नहीं होते। अमीरों की यार एक बात मेरे को बिल्कुल गलत लगती, जब वो अपने स्टैंडर्ड के बीच में बैठे होते, हाई क्लास में बैठे होते, अपने घर के अंदर होते, सबकी इज्जत करते हैं, आप करके बोलते हैं। वही कहीं वो गाड़ी लेके जब बाहर निकलते हैं ना, किसी रिक्शे वाले ने अगर टच कर दिया तो आगे से उसको गाली देते। यार ये क्या बात है, मतलब गाली दे दोगे? अपने घर वालों से तुम आप करके बात कर रहे हो, अपने बच्चे तक से, आपका जो खुद का बच्चा 5 साल का, उसको भी आप करके बुला रहे, आप आदिल, आप ये मत करो, आप वो करो, और बाहर जाते रिक्शे वाले ने अगर इतना सा टच कर दिया तो उसको गाली दे दोगे? यार ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। समझो, ईगो सब में होती है, पैसों की ईगो सब में होती है, मगर वो बेचारा गरीब है, वो कहां से पैसे देगा? आप उससे पैसे मांग रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो यार। जब अपने हाई स्टैंडर्ड में बैठे होते हो तब आप करके बातें करते हो, तो गरीब से भी आप करके बात करनी चाहिए, तू करके नहीं करनी चाहिए यार। इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे, वरना इज्जत कोई नहीं करेगी, क्योंकि आप खुद के लिए पैसा कमा रहे हो, वो रिक्शे वाले के लिए नहीं। समझ जाओ इस बात को, आज भी अच्छा होगा ऊपर जाके शक्ल दिखानी। उंगली करोगे किसी की जिंदगी पे तो मुंह पे गाली खाओगे, चुगली करोगे किसी की तो पीठ पीछे गाली खाओगे। यार किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना क्यों है? देखो, अगर आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करोगे ना, एक वक्त आएगा लोग आपकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करेंगे, आप सोचोगे कि हमने ऐसा क्या कर दिया यार, लोग क्यों जानना चाहते हैं, क्यों हमारी लाइफ में घुसना चाहते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ होती है। ऐसे ही किसी की लाइफ में अगर आप दखल दे रहे हो, किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, तो मत करो यार, उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपके दोस्त की हो, चाहे आपकी बहन की हो, आपकी वाइफ की हो, किसी की भी हो, सबका एक पर्सनल स्पेस अपनी लाइफ में होता है यार। तो यही बात कहूंगा, ना किसी की चुगली करो, चुगली करोगे तो आपकी कोई चुगली करेगा, क्योंकि कर्मा ऐसा बिच होता है, ऊपर वाला बैठा हर एक चीज का इंसाफ लेता है। अगर वो हमारे साथ बुरा करता है ना, तो इसलिए बुरा करता है क्योंकि हमने किसी का बुरा करा होता है एक वक्त पे। तो यार एक ही बात बोलूंगा, ना बुरा करो, ना बुरा कहो, और ना किसी की चुगली करो, क्योंकि आप किसी की चुगली करोगे कोई आपकी चुगली करेगा, आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करोगे आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करेगा। जिंदगी ऐसी जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और अगर कोई रोए
तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। अब अपनी इस क्यूटनेस का तो डाल लेना अचार, क्योंकि अब भाड़ में गई तू और तेरा प्यार। अब आंसू नहीं प्रोटीन पीता हूँ, कल कौन सी एक्सरसाइज करूंगा इसी सोच में जीता हूँ। तेरी नफरत को अपने दिमाग में पालने लगा हूँ, तुझे याद कर करके हैवी वेट मारने लगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आपने आईपीसी के धाराओं के बारे में सुना ही होगा, इसका मतलब भी जान लीजिए। जिसे धारा 307 हत्या की कोशिश के लिए लगाया जाता है, धारा 302 हत्या का दंड के लिए, धारा 376 बलात्कार के लिए, धारा 415 छल के लिए और धारा 300 ये हत्या करने के लिए लगाया जाता है, धारा 309 आत्महत्या की कोशिश के लिए, धारा 120 षड्यंत्र करना, धारा 312 गर्भपात करना, धारा 362 अपहरण के लिए, धारा 412 छीना झपटी के लिए और धारा 395 डकैती के लिए और धारा 377 ये आप प्राकृतिक कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।